यानी आज हमें इस बात को समझना होगा। आज हमारी की बात तक हो जाता है कि भाई की व्यापार रहा है, आज इतना इतना भीड़, पानी के समय लोग पानी भीगते हुए पुलिस चारों तरफ कभी कभी पहरा दे दे जहां हमने सभा करी है, और बाद भी लोग आए के झूठा है, तो भाई समस्या की लगे, आखिर तकलीफ की लगे, दर्द की लगे, कारण की लगे, जहाँ जितना लोग झूठ रहा है आज तो हमें मोटा मोटी अगर हमने के सुने लावा बुझे लावा तो एक नजर हमने पे देख लेना, एक 150 के ट्राउजर पहना लिया, 125 का कुर्ता टी-शर्ट पहना लिया, और ओकर बावजूद आज जहां जाए हजारों हजार की संख्या में लोग सुने आवा है, एकर मतलब साफ है कि सब दर्द में, सब पीड़ा में। आज क्योंकि हमने निरसा विधानसभा निरसा ब्लॉक में लड़ाई लिए, जब यहाँ जब भारत देश आजाद मिले, जब भारत देश में गणतंत्र की व्यवस्था मिले, तो हमने देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू तो यहाँ बहुत सारा योजना के आगे आधारशिला रख लें, जगह में पंचायत डैम हलाय, माइकैन डैम हलाय, तो सिंधरी के एफसीआई हलाय, और जब खासकर जब पंचायत डैम आए हलाय तो वो घटना हम किताब में पढ़ लिये, वो एगो बुधनी मंझाइन नामक आदिवासी संथाली महिला लग रहा है, और हाथ में कैंची देकर फिटवा कटवा लग कि तीसरा डैम के उद्घाटन तो कर कहे न, और परिवार के बहुत सारा जमीन गया उस डैम में, जैसे कि एमपीएल हो सब जमीन हमने ब्लॉक के गए, चाहे जय समाज रहे, जय जाति रहे, जय धर्म रहे, ठीक उसी प्रकार 1957-58 के आसपास लग रहा है देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू बुधनी मंझाइन के हाथ में कैंची देकर फीता कटेला कि तुम्हें फीता काट ताकि देश के उन्नति कर खातिर तुम्हें अपन जमीन दान दे, लेकिन आज 70 साल हो गए, आज 70 साल बीत गया है, आज भी बुधनी मंझाइन के अलावे बहुत सारा खास कर परिवार जिंदा है, आज वो बीड़ी के पत्ता बेच रहा है मार्केट में, आज बुधनी मंझाइन के परिवार जयपुर आपूस कुटुंब अपनी मार्केट में बीड़ी के पत्ता बेच रहा है, आज अगर एक बित्ता जमीन नहीं गया है किसी भी योजना में, आज वो के निशान अरबपति और करोड़पति मिल गया, यह तो लड़ाई है। आज यहाँ जो तो जाना से जितना जान जुटा रहा सभी घर किधर बुद्ध पड़ा था, पढ़े लिखे जा था ना इधर बच्चों सभी घर पढ़ा लिखे जा तू, तो भाई मने की राखी के अपने के पठाई ला स्कूल जाए, मने की सोचा ला, आज जब इधर बच्चों सभी पढ़े ले जाओ तो मने की राखा ला कि इधर का MBA करता है, एगो बढ़िया कंपटीशन के तैयारी करता है, और एगो नौकरी का फॉर्म भरता है, और एक दिन एगो बढ़िया काम करता है ताकि हमार गेल बाद आने वाला अपन परिवार तक संभाल पाते, या खातिर पढ़े ले भेजला। 3600 टीचर की बहाली कंप्लीट हुई, 3600 आप लोग समझते हैं हमारा जिला में टीचर का बहाली था 273, चूंकि धनबाद जिला भी बहुत बड़ा है, आपका निरसा है, बगल में केलियासुल है, गोविंदपुर है, मेरा तोपचाची है, तो इस प्रकार 10 गो प्रखंड है, ऐसे 10 गो प्रखंड है, हेमकोन 200 प्रखंड अच्छे, तो अगर हम 273 को 10 से डिवाइड करते हैं, 273 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो 27 होता है, लगभग 27, यानी एक प्रखंड में ध्यान दीजिएगा एक ब्लॉक में 27 गो टीचर का नौकरी होना चाहिए उस हिसाब से। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमें टोनी से पूछे चाहे कि 27 गो मास्टर निरसा के जो क्षेत्र है, निरसा जो जहाँ तक ब्लॉक है, 27 गो लोकल आदि मास्टर बन रहे, हाँ इतने में जवाब, और मोटा मोटी जहाँ तक जानकारी है कि निरसा में पंचायत भी 27 गो है, यानी एक पंचायत में एक मास्टर सरकारी की बन रहा है नहीं बन रहा है, यानी तोर अधिकार कहाँ गलो, तोर बेटा के बनना चाहिए मास्टर, तोर बेटी के बनना चाहिए मास्टर नहीं, लेकिन तोर अधिकार कहाँ गलो, यूपी बिहार यहाँ माननीय मुख्यमंत्री आए लो नवाडी आए लो डुमरी आए लो आए के वकी कर लो, और बैनर में लिखा लो सोना सोबरम धोती साड़ी योजना, तो बगल में हमने सभा कर ली, हालांकि केस में तो मुख्यमंत्री के एक सवाल कर लिया है कि मुख्यमंत्री महोदय आप हम लोग को धोती साड़ी बांटने आए हैं, बदले में यूपी बिहार को मास्टर का नौकरी बांट के आए हैं, हमने अरे भाई धोती साड़ी अगर हमने ना ले भाई तो चलते, धोती साड़ी क्यों रखा है, आज हमने धोती साड़ी क्यों रखा है, आज हमारे दरकार धोती साड़ी नहीं ना, हमारे दरकार एक बेस्ट क्वालिटी पूर्ण नौकरी, एक नौकरी की आवश्यकता है, और नौकरी यदि आपके पास नहीं होता तो हम सवाल नहीं करते, हम आपका विरोध नहीं करते, अरे नौकरी आपके पास है 3600 बकायदा, 1-2 नहीं 3600 180 कोरी नौकरी आपके पास है, उसमें से 1000+ यूपी बिहार को बांट दिए, कहे भाई और हम धोती साड़ी पहनेंगे, हम धोती साड़ी पहनने के लिए है, हमारे माए बहने धोती साड़ी पहनेंगी, हमारे चाचा दादा धोती साड़ी पहनेंगे, और हमारे बच्चे जो हमारे भाई बहन हजारीबाग में पढ़ते हैं, रांची में पढ़ते हैं, बोकारो में पढ़ते हैं, चाचा जमशेदपुर में पढ़ते हैं, कोई पटना कोई राजस्थान तैयारी के लिए गया है वहां के धोती साड़ी लाएगा, हमारे हिस्से की नौकरी मैथन पावर लिमिटेड इनसे कहिए जो CSR फंड होता है उसके तहत 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का एक रेडियस होता है, वहाँ फ्री में बिजली मिलना चाहिए, वहाँ सड़क होना चाहिए, फ्री में एजुकेशन मिलना चाहिए, फ्री में हेल्थ मिलना चाहिए, हमें ये फ्री में चाहिए, हमको फ्री में राशन नहीं चाहिए, दिल्ली में भी जो लोग बैठे हैं उनको भी साफ साफ कहिए हम लोग को फ्री में राशन नहीं चाहिए, हमको फ्री में एजुकेशन चाहिए, हमको फ्री में बिजली चाहिए, और बिजली क्यों नहीं चाहिए भाई, माइथन किस लिए बना है, पावर मतलब क्या होता है, पावर मतलब बिजली, बिजली का काम होता है,
माथेन का मतलब क्या? माथेन क्यों बना है? बिजली बनाने के लिए बना है। तो भाई जब बिजली माथेन बनाती है तो हमारे 10 किलोमीटर जो भी आपका कंपनी का गाइडलाइन है, कहीं 20 किलोमीटर होता है कहीं 10 किलोमीटर होता है, तो आपके 10 किलोमीटर के दायरे में जो भी गांव आते हैं, जितने गांव आते हैं उनको फ्री में बिजली दीजिए, क्योंकि माथेन बिजली बनाती है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो ये हमारे झारखंडियों के साथ अन्याय है, और इसी अन्याय के लिए आप सामने प्रधानमंत्री आए या मुख्यमंत्री आए, उसे आंख से आंख मिलाकर सवाल करें कि हमार पानी हमार पसीना, हमार पानी हमार पसीना, और बिजली जले तो शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है। तुमने सुने ना, शेख हसीना श्री 108 श्री नरेंद्र मोदी, उनका एक दत्तक पुत्र है। नाम लेने से डरने की आवश्यकता नहीं है, गोता मडानी दत्तक पुत्र ने गोद लिया। मोदी बोलता है हमें कोई नहीं है, गलत बोलता है, गोद लिया बेटा है। वो पेपर में आप देखे होंगे शेख हसीना के पास उनका फोटो दिखा होगा, यानी उन्होंने बिजली बनाया है गोड्डा में। गोड्डा में जमीन किनका गया? आदिवासियों से लूट कर लिया गया, क्लियर बात है, क्योंकि आप पेपर में पढ़े होंगे पुलिस जबरन लाठी चलाई है, जमीन हमारी, गांव हमारा बर्बाद हुआ हमारा, और बिजली बनता है झारखंड के गोड्डा में और बिजली जाती है बांग्लादेश। अभी 7%, यानी 1% बिजली भी झारखंड में नहीं। सोच के देखिए कि आज कितना अन्याय हो रहा है। इसी अन्याय के लिए हम लोग लड़ने आए हैं। आज यदि हम लोग नहीं लड़ते हैं, आज यदि हमारा नहीं लड़ रहा तो यदि कुछ नहीं बात, अब कहीं कैसे मोटा मोटी ये MPL देखा, MPL में कितना लंबा चौड़ा जमीन ले रहा है, कोनो हिसाब है? इतना जो लंबा चौड़ा जमीन MPL ले रहा है, अगर कोई हिसाब है कितना एकड़ लिया जाता है? लोकल आदमी की जानकारी आता है कितना जमीन अधिग्रहण मिला है? नहीं करूं हजारों हजार एकड़, हजारों हजार एकड़ मतलब मोटा मोटी 100-150 गांव बर्बाद हो जाते। आज के अनुपात में अगर गन्ना कर जाए तो 100-150 गांव खाली माइथन पावर लिमिटेड में बर्बाद हो गए। जब गांव हमारे बर्बाद हो गए, चल ठीक है बिजली बनना चाहिए, बिजली से देश के विकास होता है, आरबीबी का विकास के कार्य होता है, लेकिन ये कौन सा शर्त है और ये कौन सा अन्याय है कि बिजली हमारी छाती को आप चीर के बनाइएगा और अंधेरा हमारे झारखंड में और जगमग आपका महाराष्ट्र और बंगाल हो? ये कहां का नियम है भाई, ये कहां का नियम है? आज MPL में बहुत सारे सुल्लो से वाड़ी वर्कर्स हैं जिनमें मात्र 500 आपके झारखंड के हैं। जब जमीन हम लोग दिए हैं तो क्या सोच के दिए हैं? हम जमीन यही सोच के दिए हैं कि वह बहुत बड़ी परियोजना है, उस परियोजना में अगर हम जमीन देंगे तो हमारा आने वाला भविष्य सुधार होगा, हमें एक अच्छी नियोजन मिलेगी, एक अच्छी नौकरी मिलेगी, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, उन्हें हम अच्छे से पढ़ाएंगे, उन्हें योग्य बनाएंगे, यही सोचकर हम लोग अपने पूर्वजों का जमीन दिए, ये सोच के दिए ना। लेकिन आज हम इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि अब तक हम लोग जितना जमीन दिए सो दिए, एक दिन बधाई जाची तुम्हारा बाड़ी जाची की जाए लगा की ताकि वैसे की तभी सुनी ले हमारे यहाँ जाए कहे जाए। अब मानी के चला हम अपन बात के बीच में एक लाइन हटा कहा कि आज के बाद अब यहाँ से हमें प्रयास होना चाहिए भाषा हाँसा इगला बचाए के रखिया, इसे लड़ाई लगे ना अपन भाषा हाँसा और पेशा के बचाए के लड़ा लगे। भाषा यानी बुझके कर रहा सब के अपन अपन मातृभाषा है, जैसे कोकरो राड़ बा राड़ी है तो कोकरो कुड़माली कोकरो संताली कोकरो खट्टा तो कोकरो ना कोकरो मातृभाषा है, तो अपन निजे के मातृभाषा लगाए सेटा बचाए के रखिया। ये खातिर बचाए के रखिया ना कि कहा गया है कि जे मानुष से भाषा हरा है से मानुष से दिशा हरा है, तो सही खातिर जब तक भाषा जिंदा हो तब तक उस मनुष्य के सभ्यता संस्कृति और मनुष्य जिंदा हो। जब दिन भाषा खत्म होगी तो से दिन आधार मान के चलो खत्म होगी, ओकर बाद जमीन। आज हमने लोग अपन जमीन के महत्व नहीं बुझा पा रहे, आज के हमारे जो मानुष अच्छे भाई माटीर मूल्य जाने ना है, आज तुम्हारे के माटीर मूल्य जानते हो गए। आज हम आपको समझाते हैं, आपने बिल गेट्स का नाम सुना होगा, छुपाई जानी ना सुने ची बिल गेट्स का नाम तो हनी वो बिल गेट्स का नाम सुना ला फिर दादी के लिए काकी जेठी के लिए नहीं सुना लगता है, नौतन नौतन दीदी के लिए भोजी के लिए सुन लेते हैं। बिल गेट्स एक समय दुनिया के नंबर एक रिचेस्ट पर्सन थे, यानी इस वर्ल्ड के सबसे धनी आदमी, माइक्रोसॉफ्ट के शायद संस्थापक, माइक्रोसॉफ्ट के शायद संस्थापक बिल गेट शायद अमेरिका के हैं, पूरी दुनिया के सबसे धनी आदमी थे। आज वो दुनिया के धनी आदमी नहीं है, तो क्या हुआ? क्या उनके घर किसी ने चोरी किया है? क्या बिल गेट के घर में किसी ने चोरी या डाका डाला है? जी नहीं, बल्कि उन्होंने क्या किया, अपने माइक्रोसॉफ्ट का कुछ शेयर बेचकर 3 लाख एकड़ जमीन खरीदा है, 3 लाख एकड़। इसलिए आज हम यहाँ कहना चाहेंगे क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कंपनी को बहुत जमीन दिया, MPL बनने के लिए दिया, इधर पंचायत डैम बनने के लिए दिया, इधर FCI बनने के लिए दिया, अब GT रोड में निरसा गोविंदपुर में तो अंधाधुंध जमीन बैठ रहा था। बिल गेट्स
ध्यान से सुन ले झारखंडी आदमी, ना अगर ये बतवा ध्यान से ना सुना तो एक दिन की है तो सही तो बताए वो बिल गेट्स तो दुनिया के, हमने भारत देश के ना पूरा दुनिया में जितना देश है 200 देश है और सबसे धनी आदमी टाटा के मामले में दुनिया के सबसे रईस आदमी हला है, माने जितना हमने गोटे जिला में टाटा ने हता है ओकरा लगवा के इकाई टाटा हला है, लेकिन की कर ला अपन कंपनी के हिस्सा लग ला बेच के 3 लाख एकड़ जमीन गिन ले 3 लाख एकड़ अगर बड़ा चुकी हमने स्क्वायर किलोमीटर में पड़े हैं तो 247 से डिवाइड कर ले, चल 247 के हमने राउंड फिगर के ले जाए 300 से अगर हमें 3 लाख के भाग देवाए तो मोटा मोटी 1000 वर्ग किलोमीटर 1000 वर्ग किलोमीटर मतलब आधा धनबाद जिला और गोटा गोटी रामगढ़ और खूंटी जिला, धनबाद के क्षेत्रफल 2000 आसपास है, 2000 वर्ग किलोमीटर हमने धनबाद, यानी बिल गेट्स से नामी आदमी दुनिया के सबसे धनी आदमी आप की समझ लाए कि देख दुनिया में जमी होना नौकरी 40 साल खातिर हो बिजनेस भी 30-40 साल में अगर झटका लग तो ठप हो तो, लेकिन जमीन तब तक रहतो जब तक चांद सूरज और धरती रहतो, बिल गेट्स से चलाक आदमी बिल गेट्स से दुनिया के सबसे धनी आदमी की कर लाए 3 लाख एकड़ जमीन के लिए, हमने लोग अंधाधुन जमीन बेच रहा लो गोविंदपुर में बेच रहा लो साहिबगंज रोड में बेच रहा लो निरसा में बेच रहा लो लगातार ना बेचा बस रिक्वेस्ट करो जमीन एक बिट्टा ना बेचा कहे बताओ की बेटो गुलगुलिया देखा ला बंजारा देखा ला बंजारा गुलगुलिया पूजा पढ़ाना हाँ गुलगुलिया पता नहीं तुम्हें कहा रोड साइड ना हो हमारे घर माइंड कर लो हमने रोड साइड आए हो प्रत्येक 2 महीना 3 महीना में गुलगुलिया के लावे पूरे ले आए क्या तंबू गाड़े के प्लास्टिक के तिरपाल ऑटे में पानी आओ हो बरसात आओ रोड दे हो पूरा परिवार सूख जाए और बिहान की करे बताओ हमने करे घर आओ चोरा मांगे लो चोरा पूजा ना चाहता है ना तो किडनिया बेच दिया लेकिन एक इंच जमीन नहीं बेची किडनिया बेचवा तो की बताए कि आदमी का नुकसान बताए अभी दो का किडनी है किडनी दो है एक ही बात में नुकसान रहते ना जमीनवा बेचवाना तो घर घुसते भी नुकसान रहते और जड़ की दरवे ना अभी दुनिया में जन्म ना लो अपने खुद की दरवे बताओ और हम बार बार कहले ही है मैंने बार बार कहा है कि ये जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं आज जो हमने लड़ाई का लड़ाई है ये लड़ाई यहां जितने लोग आए हैं उनके लिए नहीं है ये लड़ाई उनके लिए नहीं है जितने लोग यहां आए हैं ये लड़ाई जिनकी है जिन बच्चों का गोद में लेकर जो छिला गिला घोड़ा है ना वो खड़ी लड़ाई लड़ी हमने तो उम्र तो 35 साल 40 साल 30 साल 50 साल 60 साल पार भाई गए आधा जने को चुल गिला पाकी गेलो आधा जने को चारे को दांत तो झड़ी गेलो दो चार को तो चश्मा लगी गेलो तो ये लड़ाई हमने ना लगो दादी बुझाया ना ये लड़ाई हमारा नहीं लगो ये लड़ाई जन भाई बहन मिला के कोराई लेके आए हैं ज्यादा हिंदे हुए भालो अपने पूछा ना हो ये लड़ाई गला खेल लगी कि अपने पास की बात नौकरी बेच रहा लो बगल में एनपीएल हो तो और बाप दादा जमीन गया हो अशोक प्रदेशी नौकरी में हो बंगाल के लोग ज्यादातर हो बिहार के लोग ज्यादातर हो उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ हो तो नौकरी का तो खाते वहां चलना हो सारा नौकरी बेच रहा हो अब तो जमीन वहां चला हो यदि जमीन हो तुम्हें बेच रहे तो फिर तुम कहां रहे सही खतरी से लड़ाई हो ये आने वाला भविष्य हो आज अगर तुम्हें ना चिकवा आज अगर ना समझवा तो हमारा बुझाओ आने वाला 20 साल में झारखंड खंडहर बहने तो झारखंड के लोग यहाँ से भागे रहते देख ले कहीं भी नजर दुराई के देख ले आज बिरसा बाजार चल जाओ गोविंदपुर के पार का धनबाद चल लो धनबाद के बड़ा बड़ा बिल्डिंग में चल लो पता का जमीन का करना आज तो अभी घरवा से धनबाद अगर भाले जी था तो बड़का बड़का बिल्डिंग देखे तो बड़का बड़का इमारत देखे तो एक बात बतवाओ जमीन का कर लगे सब झारखंड के लगे चाहे जकरे लगे संथाल के रहे कुर्मी के रहे तेली के रहे कोरी के रहे मंडल के रहे या जकरे रहे जमीन सब झारखंड के लोग के लगले आज ये हतो दो चार तल्ला का ऐसा बात ना है लेकिन 18 तल्ला 20 तल्ला तक पहुंचे लाए उगले एक भी झारखंडी नहीं तो अगर तुम्हें अपन हाथ से अपन पतन कर रहे तो तुरा क्या बचे आप स्वयं का विनाश कर रहे तो तुरा क्या बचे तो सरकार से तो लड़वे कर रहे गवर्नमेंट से तो लड़ना है सही खाते तमने कहीं एमपी बैठ के जीवे सही खाते तमने कहीं एमएलए बैठ के जीवे ताकि गवर्नमेंट से लड़वे लेकिन फिलहाल तुम्हें स्वयं जागरूक हो यदि तुम्हें स्वयं नहीं जान में तो अगला तोरा कैसे बताए तो आज तोरा बहुत बारीकी से हमने बता लियो कि आज किस प्रकार से यहाँ लूट मचल है अभी हम 2-3 दिन से अपन भाषण में ड्रेस के बारे में चर्चा करते रहे क्योंकि हम हिंदी में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि मीडिया बंद है वे लोग इसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि छोटा छोटा घोटाला इस राज्य में कैसे होता है अभी सभी लोग पढ़ने वाले हैं अरे नहीं तो कम से कम पढ़ने वाले बच्चों को तो रोज देखते हैं ना आज से कुछ साल 1-1.5 साल पहले स्कूलिया बच्चों का ड्रेस क्या था ऊपर में था थोड़ा सा घी टाइप का नीचे मेरून टाइप का था ना अभी कौन सा ड्रेस है हरा है ऊपर में भी हरा अथवा टीका होगा अब तो हमको समझ में आया ध्यान से सुनिएगा बात ताकि लोग सवाल करते हैं नया लड़का लोग क्या करेगा अरे नया लड़का लोग कपड़े में इतना मतलब तेज है ना कि उनको मौका मिलेगा तो छोटा छोटा घोटाला को बंद करके हम लोग नया कीर्तिमान स्थापित कर देंगे अभी आप लोग देखे होंगे ग्रीन ड्रेस सुनी लोग हमको लगता है लोग पहनती होगी अभी लोग को तो लगा ठीक है भाई लाल लाल पहन गए थे लाल लाल पहन के भटिया गए थे 2 साल लाल 9वां 10वां लाल पहने तो चलिए कम से कम 11-12 हरा पहन के पार करते अच्छा लगेगा मजा आएगा लेकिन इसने बहुत बड़ा घोटाला एक बात बताइए आपका इतना बड़ा गाँव है इतना बड़ा लगाटा गाँव है इस गाँव में बताइए तो हमको हरा रंग का फुल पैंट या हरा रंग का जो दीदी लोग ट्राउजर पहनती है महिला लोग भी जो हरा रंग का अपना जो भी कुर्ती पहनती है और लड़का लोग जो हरा रंग का जींस या फुल पैंट पहनता है कहे को मिलेगा लगाटा गाँव
बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा। हरा रंग का फुलपैंट लखाटा गांव में देखो मिलेगा, देखो नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि हरा रंग का ड्रेस चलन में नहीं है, हरा रंग का ड्रेस समाज में चलन में नहीं है। क्या चलन में है? ब्लैक है, ब्लू है। देखिए जितने पत्रकार बैठे हैं, ब्लू है, ब्लैक है, किसी का व्हाइट होगा, एक को ब्राउन होगा। इससे ज्यादा कलर का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन हरा रंग क्यों भाई? गवर्नमेंट ने हरा रंग क्यों चुना? ड्रेस अगर बदलना था तो बदले ना, कौन मना किया? ठीक है, आपको रघुवर दास पसंद नहीं था, हेमंत को बदले, कौन मना किया है? लेकिन हरा रंग क्यों? क्योंकि हरा रंग किसी दुकान में मिलता ही नहीं है, हरा रंग गांव में लोग पहनते ही नहीं है। इसका मतलब गवर्नमेंट, क्योंकि हो सके गवर्नमेंट रोका है, यानी गवर्नमेंट को इनको जो सलाहकार है, जो आईएएस है, उन्होंने डील किया होगा किसी मिल से, जो फैब्रिक मिल्स होती है जहां कपड़ा बनता है, उनसे डील किया होगा कि आपको हम 6 महीना का टाइम देते हैं, आपको 9 महीना का टाइम देते हैं, आपको इस रंग का जो ड्रेस है उसको मार्केट में लगभग इतना अनुपात में लाना है, लगभग इतना मीटर में आपको बनाना है। उन्होंने 6 महीना का टाइम लिया होगा, साल भर का टाइम लिया होगा, और फिर बोला सरकार हरा रंग का ड्रेस है तैयार। अगला दिन क्या करती है गवर्नमेंट? एक नियम बनाती है कि आज के बाद झारखंडी मान्यता प्राप्त जितने भी स्कूल हैं सब में हरा रंग का ड्रेस हो जाएगा। आपको मजा लगा ना? पर हम क्या बता दिए, ये घोटाला है, क्योंकि हरा रंग प्रचलन में नहीं है मेरे साथी। अब लॉजिकली सोचिए, मोटा मोटी हम लोग पेपर में पढ़ते हैं।